शिवसेना ने अपने मुख्य पत्र सामना के जरिए एक बार फिर बिहार चुनाव के रिजल्ट को लेकर बीजेपी पर हमला बोला है। शिवसेना ने बीजेपी सरकार पर वादा तोड़ने का आरोप लगाते हुए सवाल उठाया है कि क्या बीजेपी बिहार में नीतीश कुमार से किया हुआ वादा निभाएगी और उन्हें सीएम बनाएगी। शिवसेना ने कहा कि बिहार चुनाव में जेडीयू ने बीजेपी से कम सीटें जीती हैं, ऐसे में क्या बीजेपी नीतीश से किया हुआ वादा पूरा करेगी। शिवसेना ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि ऐसा ही वादा 2019 के चुनावों में बीजेपी ने शिवसेना से भी किया था, लेकिन उसे निभाया नहीं। तो क्या अमित शाह ने नीतीश कुमार को सीएम बनाने का जो वादा किया था उसे वो निभाएंगे? उन्होंने कहा कि बिहार में नीतीश कुमार को बड़ा झटका लगा है। अब सवाल ये उठता है कि क्या नीतीश सीएम की कुर्सी पर बने रह पाएंगे। सामना में शिवसेना ने तेजस्वी यादव की तारीफ भी की है। शिवसेना ने तेजस्वी को एक नया युवा चेहरा बताया है। शिवसेना ने कहा कि तेजस्वी ने अपना संयम नहीं खोया, जीत किसी की भी हो लेकिन तेजस्वी पर्व की शुरुआत हो गई है। सामना में ये भी कहा गया कि तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा और दूसरे सत्ताधारी नेताओं से अकेले ही मुकाबला लिया और शानदार प्रदर्शन भी किया। धुआं धुआं सा ये शहर क्यों दिखता है, सुना है बाजार में धुएं का सामान बिकता है, ये दिवाली सिर्फ दिए वाली।